हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है, इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित तरीके में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, राइटर आयान मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयान मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयान मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं। इस मूवी को एडिट AK स्टिकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवार ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। के फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से 2 समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयान मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयान मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है।
प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है। फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ, फोटोग्राफी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चेत सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एसएस राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चितकाल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी की मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट ईशा मिश्रा, मौनी दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वैकअप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं।
उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने दो शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने दो लघु फिल्मों में अभिनय किया, पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है, और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आदर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं, इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं, पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने ऊंचे स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्हें अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉकस्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतना रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है, इसलिए इस मूवी की आईएमडी रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित तरीके में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं।
इस मूवी को एडिट ए के स्टिकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से 2 समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिल्म से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले
150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एसएस राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरे दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आदर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर 2 राय नहीं है। वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनके प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी
की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनोस्की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सांवरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सांवरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर वन के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ऐ दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है, इसलिए इस मूवी की आईएमडी रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, राइटर आयान मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयान मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयान मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किया है। इस मूवी को एडिट ए के स्टिकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। इसके फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत
करते हुए बिताए हैं और यह कि 3.5 साल की अवधि में बनाई जाएगी, और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है, और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एहसास राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिर दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिम्पल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और ध्यान शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें
जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने दो शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने दो लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आ दर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ऐ दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर
आयन मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ऐसे मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। के डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किया है। इस मूवी को एडिट AK स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे।
कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक थाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ, फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। ऐसा राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहां भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरा दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिक स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने दो शॉर्ट फिल्में
भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने दो लघु फिल्मों में अभिनय किया, पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है, और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आदर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं, पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनके प्रदर्शन इतने ऊंचे स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीतिक फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतना, रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपर हीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित तरीके में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं। इस मूवी को एडिट AK स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवार ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो
मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहाँ शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एस एस राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों
में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव त्रिपाठी, आलिया भट्ट ईशा मिश्रा, मोनिरा दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिम्पल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक शाहरुख खान एज ए डॉक्टर त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी करियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आदर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर 2 राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनके प्रदर्शन इतने ऊंचे स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी।
कपूर को सांवरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सांवरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर वन के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्हें अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉकस्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतना रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है, इसलिए इस मूवी की आईएमडी रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। के डायरेक्टर आयान मुखर्जी, राइटर आयान मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयान मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयान मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं। इस मूवी को एडिट ए के स्टिकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। के फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव
दिया कि यह एक रोमांटिक सुपर हीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रोमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रोमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। ऐसा राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरे दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और ध्यानंद शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में
और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002, जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है, और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आ दर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर 2 राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनके प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवांतिक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ऐ दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ऐसी मूवी अभी रिलीज हुई है।
इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित तरीके में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं। इस मूवी को एडिट AK स्टिकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। इसके फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMX 3D में रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से 2 समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकुर काम है
जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिर से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ, फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। ऐसा राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरे दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिम्पल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाईं। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी करियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने
से पहले रणवीर कपूर ने दो लघु फिल्मों में अभिनय किया, पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है, और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आ दर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं, पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ऐ दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ऐसे मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयान मुखर्जी, राइटर आयान मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयान मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयान मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी पंकज कुमार ने किया है। इस मूवी को एडिट ए के स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवार ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा।
के फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी, और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिल्म से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चेत सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एसएस राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया।
शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चितकाल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट ईशा मिश्रा, मौनी रॉय दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वैकअप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी करियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002, जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है, और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आर दर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर 2 राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने ऊंचे स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवांतिक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए
स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीतिक फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतना रिटर, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ऐसे मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किए हैं। इस मूवी को एडिट ए के स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवार ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज किया जाएगा। इसकी फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है, जो
अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिल्म से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ, फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चेत सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एसएस राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव व त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरा दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सबसे नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वैकअप सीड,
अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर, इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने दो शॉर्ट फिल्में भी बनाई। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने दो लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आर दशक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने ऊंचे स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉकस्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है,
आयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागा अर्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित त्रय में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। के डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किया है। इस मूवी को एडिट ए के स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवार ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMAX 3D में रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से 2 समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिल्म से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म
का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अविता भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। एहसास राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज़ किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज़ की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज़ की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी। लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज को अनिश्चितकाल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरा दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी, अजय वशिष्ठ एज आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया, अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और ध्यानंद शर्मा भी इस मूवी में नजर आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें, जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सबसे नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वैकअप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाईं। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी करियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतक
सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आ दर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर दो राय नहीं है, वे अच्छे लगते हैं, पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था, जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज, ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ऐ दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। यह मूवी 9 सितंबर 2022 को थिएटर में रिलीज होगी। इस मूवी के डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, वहीं इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर आयान मुखर्जी, रणवीर कपूर, करण जौहर, हीरो जौहर, नमिता मल्होत्रा और भी हैं। ये मूवी अभी रिलीज हुई है, इसलिए इस मूवी की IMDb रेटिंग अभी नहीं आई है। वहीं इस मूवी का टोटल बजट 150 करोड़ से 300 करोड़ का है। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी हैं। ब्रह्मास्त्र वन पार्ट ऑफ शिव, जिसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, आयन मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित और करण जौहर द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की सुपरहीरो फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अकिनेकी ने हैं। फिल्म का इरादा एक नियोजित तरीके में पहली फिल्म के रूप में ही काम करना है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है। इसके डायरेक्टर आयन मुखर्जी, राइटर आयन मुखर्जी और हुसैन दलाल हैं। वहीं इस मूवी के स्टोरी राइटर आयन मुखर्जी, प्रोड्यूसर हीरो यश जौहर, करण जौहर, रणवीर कपूर, आयन मुखर्जी, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा और मरीजिका डेसुजा हैं। वहीं इस मूवी में अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अखानी मेन लीड में करेक्टर नज़र आते हैं। वहीं इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी पंकज कुमार ने किया है। इस मूवी को एडिट AK स्ट्रीकार प्रसाद और अकी अली और मनिका दवाड़ ने किया है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम हैं। वहीं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो और धर्मा प्रोडक्शन है। वहीं इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर द्वारा किया गया है। इस मूवी का टोटल बजट 300 करोड़ का है। वहीं इस मूवी को मुख्य तौर पर हिंदी भाषा में 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ किया जाएगा। मुख्य फोटोग्राफी फरवरी 2018 में बुल्गारिया में शुरू हुई और फिल्म को मानक प्रारूपों 3D और IMX 3D में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया है। 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी इसे रिलीज़ किया जाएगा। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फिल्म स्पष्ट रूप से दो समय सीमा में सेट है। मुख्य कहानी वर्तमान समय में सेट की गई है, जहां शिव महाशक्तियों वाले एक युवक जो वर्तमान समय में एक मिशन को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड जैसे हथियारों के बारे में जानने के लिए 300 साल पहले की यात्रा करता है। मूवी के प्रोडक्शन की बात करें तो डेवलपमेंट टीम निर्माता करण जौहर ने 11 अक्टूबर 2017 को ट्विटर के माध्यम से फिल्म की घोषणा की और खुलासा किया कि इसे एक फिल्म 3 में बनाया जाएगा, यानी 3 पार्ट में बनाया जाएगा। फिल्म की तैयारी जनवरी 2018 से शुरू हुई। एक साक्षात्कार ने कपूर ने खुलासा किया कि मुखर्जी ने अपने जीवन के 6 साल एक मूल कहानी बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हुए बिताए हैं और यह कि 3-10 साल की अवधि में बनाई जाएगी, और अफवाहों का खंडन करते हुए सुझाव दिया कि यह एक रोमांटिक सुपरहीरो फिल्म है। इसके बजाय कपूर ने पुष्टि की है कि फिल्म अलौकिक प्रारूप में एक रोमांटिक परिकथा है और यह कि फिल्म कुछ ऐसी नहीं है जिसमें कि सच्चाई नहीं है जो अविश्वसनीय है। शुरुआत में फिल्म का शीर्षक ड्रैगन होने की अफवाह थी, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि ब्रह्मास्त्र के रूप में की गई है। निर्देशक आयन मुखर्जी ने समझाया कि ब्रह्मास्त्र शीर्षक प्राचीन ज्ञान ऊर्जा और शक्ति के साथ प्रतिद्वंदित होता है। मुखर्जी ने यह खुलासा किया है कि यह प्राचीन तत्वों के साथ एक समकालीन फिल्म है। नागार्जुन ने भी पुष्टि की है कि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौनी रॉय ने एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि वह फिल्म में एकमात्र विरोधी रहेंगी। मूवी के पात्रों की बात करें तो निर्देशक आयन मुखर्जी ने खुलासा किया है कि अभिनेता रणवीर कपूर के चरित्र के पीछे की प्रेरणा रूमी से मिली है, जिन्होंने उन्हें चरित्र के पहले लुक को प्रेरित किया है। मुखर्जी ने रूमी के काम से भी प्रेरणा ली है। प्यार आपके और हर चीज़ के बीच का सेतु है, फिल्म की नींव बनाने के लिए इसे रखा गया है। बाद में मुखर्जी ने खुलासा किया है कि रूमी से प्रेरित लुक को हटा दिया गया है था और कपूर ने इसके बजाय एक बाल कटवा लिए थे। कपूर ने फिल्म के लिए लुक टेस्ट के साथ अपने अनुभव का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि एक ठाकू काम है, जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक आवेदन करने के आवेदन को हटाना और फिल्म से आवेदन करना उनका मकसद है। इस मूवी की फिल्मिंग की बात करें तो 24 फरवरी 2018 को फिल्म के पहले शेड्यूल की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी फरवरी 2018 में शुरू हुई। फिल्म का पहला शेड्यूल 24 मार्च 2018 को बुल्गारिया में पूरा किया गया। फिल्म का दूसरा शेड्यूल बुल्गारिया और फिर लंदन में 8 जुलाई 2018 को जारी रखा गया। लंदन, न्यूयॉर्क और फिर बुल्गारिया में व्यापक शूटिंग 1 फरवरी 2019 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में शुरू हुई। 20 दिवसीय कार्यक्रम 30 जुलाई 2019 को वाराणसी के रामनगर किले और चित सिंह किले में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, जबकि गीत अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा लिखे जाएंगे। फिल्म का शीर्षक लोग 4 मार्च 2019 को जारी किया जाएगा। उसी दिन शाम को कुंभ मेले में महाशिवरात्रि पर फिल्म ब्रह्मास्त्र का लोगो लॉन्च किया गया। लोगो बनाने के लिए अपनी तरह से पहले 150 ड्रोन का इस्तेमाल आकाश को रोशन करने के लिए किया गया था। ब्रह्मास्त्र का आधिकारिक लोगो 6 मार्च 2019 को जारी किया गया था। ऐसा राजमौली और धनुष ने तेलुगु और तमिल संस्करणों में फिल्म के लोगो को लॉन्च किया है। कपूर के चरित्र पोस्टर को शिव के रूप में 15 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया। शुरुआत में 15 अगस्त 2019 को रिलीज की घोषणा की गई थी। ब्रह्मास्त्र को क्रिसमस 2019 और फिर समर 2022 तक स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि फरवरी 2022 में निर्माताओं ने घोषणा की कि इसकी अंतिम रिलीज की तारीख 4 दिसंबर 2020 होगी, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण रिलीज
को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया। यह फिल्म अब 9 सितंबर 2022 को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी। इस मूवी के मुख्य कास्टिंग की बात करें तो अमिताभ बच्चन प्रोफेसर अरविंद चतुर्वेदी के रूप में यहाँ भूमिका निभाएंगे। रणवीर कपूर एज शिव, वह त्रिपाठी, आलिया भट्ट, ईशा मिश्रा, मोनिरे दमयंती सिंघानिया, नागार्जुन अकानी अजय वशिष्ठ एज ए आर्कोलॉजिस्ट, डिंपल कपाड़िया अनीता सक्सेना, आयान नायक, शाहरुख खान एज ए डॉक्टर, त्रिपाठी एज ए साइंटिस्ट एंड शिवा फादर स्पेशल अपेयरेंस, प्रतीक बाबर और दयानंद शर्मा भी इस मूवी में नज़र आएंगे। इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर रणवीर कपूर की बात करें जो एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो बॉलीवुड सिनेमा में अभिनय करते हैं। रणवीर कपूर ने अपनी फिल्म जीवन की शुरुआत एक सहयोगी निर्देशक के रूप में और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सावरिया फिल्म में बतौर अभिनेता पहला अभिनय किया। इसके लिए उन्हें सबसे नवोदित अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने वेक अप सीड, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर इन फिल्मों में भी एक साल में ही काम किया। मैं अभिनय करके सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। इन अभिनयों के लिए उन्हें फिल्मफेयर द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिप्स का पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने बाद में फिल्म राजनीति 2010 में एक महत्वाकांक्षी राजनेता के तौर पर काम करते हुए भूमिका निभाते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त की और सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता फिल्म मानी गई। रणवीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 को हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता के तौर पर हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली के साथ काम करके की और 2007 में उन्होंने डायरेक्टर के साथ अपनी पहली फिल्म पर भी काम किया। वे एक पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपना शिक्षण मुंबई के महिमा के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पूर्ण किया। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए न्यूयॉर्क के ली स्ट्रासर थिएटर एंड फिल्म स्टूडियो में भेजा गया। अपने करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में भी बनाईं। फिर उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए फिल्म ब्लैक 2005 में उनकी मदद की। अपने फिल्मी कैरियर को बॉलीवुड और में शुरुआत करने से पहले रणवीर कपूर ने 2 लघु फिल्मों में अभिनय किया। पैशन टू लव 2002 जिसका उन्हें खुद निर्देशन भी किया है और आइडिया 1965 2005 में रिलीज हुई थी। रणवीर कपूर ने पहली बार नवंबर 2008 में नवांतुक सोनम कपूर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में एक प्रथम अभिनय किया था। इस फिल्म में उनके एक लवेजिक गायक के सकारात्मक चित्रण के लिए उनको बहुत प्रशंसा मिलने लगी। इसके बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। समालोचक तरण आदर्शक ने टिप्पणी की थी कि रणवीर कपूर अत्यधिक प्रभावशाली कलाकार हैं। इस पर 2 राय नहीं है। वे अच्छे लगते हैं पर जो चीज़ हम घर ले जाते हैं वह है प्रदर्शन में ईमानदारी। अगर उनकी फिल्म उनका प्रदर्शन इतने उच्च स्तर का प्रदर्शन रहा तो वह बालक आने वाले वर्षों में कपूर खानदान को गर्वित कर सकते हैं। इनके पहले प्रदर्शन के लिए 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। आजकल यह राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में कैटरीना के साथ काम कर रहे थे। उस टाइम इनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी सुपरहिट रही थी। कपूर को सावरिया फिल्म के लिए सबसे नामांकित अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। वहीं सावरिया में होनहार नवोदित कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार भी जीता है। 2008 में जोड़ी नंबर 1 के लिए स्टार स्क्रीन पुरस्कार सोनम कपूर ने जीता था जिसमें रणवीर कपूर एक कास्टिंग सपोर्टर के रूप में नजर आते हैं। राजनीति फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया और फिल्मफेयर अवार्ड भी जीता। उन्होंने अनजाना अनजानी, चिल्लर पार्टी, रॉक स्टार, बर्फी, बॉम्बे टॉकीज,
ये जवानी है दीवानी, बेशरम, भूतनाथ रिटर्न, पीके, रॉय, बॉम्बे वॉलेट, तमाशा, ए दिल है मुश्किल और संजू जैसी बहुत सी मूवी में काम किया है। इनके अपने बेहतरीन रोल के कारण रणवीर कपूर आज एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। आज आप रणवीर कपूर की किस मूवी का एक्सप्रेशन इस चैनल पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम अपनी अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।